भारत में संविधान सभा की मांग कब उठी और उसका गठन कैसे हुआ, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी कुछ मुख्य बिंदु हैं, उस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 379 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अंततः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापित के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिला भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं।